जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान, मंजिल मिल जाएगी जरा खुद को तो पहचान, हौसलों को कर बुलंद पूरे होंगे अरमान, ऊंचे हो विचार मुश्किलों में हो मुस्कान, राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार, ओम शांति। आपका हमारे शो जिंदगी बने आसान में स्वागत है। दर्शकों, हमें काफ़ी प्रश्न मिले आपकी तरफ से। जो हमने सक्सेस के ऊपर श्रृंखला चालू करी थी उसके ऊपर आपने काफ़ी चीज़ें पूछी हैं हमसे। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सारे जितने भी आपके सवाल हैं उनके उत्तर हम दे सकें। हमारे साथ हैं डॉक्टर गिरीश पटेल। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू सर। ओम शांति। सो डॉक्टर गिरीश, हमने काफ़ी सारी डिस्कशंस करी थी सक्सेस के ऊपर। इनफैक्ट हमने पूरी सीरीज करी थी सक्सेस के ऊपर, वैल्यूज के ऊपर। तो कहीं हमारे को प्रश्न आए हैं दर्शकों से जो उन्होंने लिखे हैं, कहीं उनकी समस्याएं हैं और कहीं चीज़ें हैं जो वो जानना चाहते हैं इवन फॉर देयर डिसीजंस ऑफ लाइफ। सो अगर हम वो क्वेश्चंस एक एक करके लें। जरूर। तो जो पहला सवाल है ये हमें रेखा जी लिखते हैं महाराष्ट्र से। ये कहते हैं कि ये 10th स्टैंडर्ड में है, अभी 10वीं में है, एंड इनके जो पेरेंट्स हैं ये कहते हैं कि आप इंजीनियरिंग करें, लेकिन ये चाहती हैं कि ये फैशन डिज़ाइनिंग करें। ये कहती हैं कि मेरी बहुत ज़्यादा रुचि है फैशन डिज़ाइनिंग में, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स को समझा नहीं पा रही कि मुझे फैशन डिज़ाइनिंग करनी है। अच्छा। वो ये कहते हैं कि इसमें इतना करियर नहीं है, तो आप कोशिश करें कि इंजीनियरिंग कर सकें। जी, तो इनको हम कैसे इसका जवाब दें? इसके बहुत सारे पहलू हैं। पहले तो इनके जो अगर पेरेंट्स सुन रहे हैं तो उनको ध्यान देना चाहिए कि फैशन डिजाइनिंग में बहुत बड़ा स्कोप है। हाँ जी। आज इंजीनियर तो 10,000 में भी रेडी हो जाएगा, लेकिन फैशन डिजाइनर लाखों रुपया कमा सकता है। हाँ जी। अगर वो अच्छे लेवल पर बने ना, वो पेरेंट्स को समझना है। और अभी रेखा जी को इस बात से डिसाइड करना है कि अगर उनकी सचमुच एप्टीट्यूड है, कुछ थोड़ा करके भी देखे, कहीं कुछ 10-15 दिनों में किसके पास जाकर के कोई फैशन डिजाइनर के पास कि वो डिजाइन क्रिएट कर पाते हैं, है ना, वो ड्राइंग आदि में क्रिएटिविटी इसमें बहुत चाहिए। हाँ जी। तो अगर उनका माइंड भी उसमें क्रिएटिव है तभी तो पक्का करना चाहिए। सिर्फ मैं एक एडवाइस ये दूंगा कि उनके पेरेंट्स जो ये सोच रहे हैं ना कि भी इसमें करियर नहीं है, हाँ जी, तो ऐसा करना पड़ेगा कि कोई बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट से करें। आज फैशन डिजाइनिंग कोई घर में भी सिखा देगा, हाँ जी, तो उसकी ज्यादा वैल्यू नहीं है। परंतु आज तो नेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट्स भी है, उस इंस्टीट्यूट से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करें। अगर वो चाहते हैं तो और कहीं विदेश में जाकर के भी और भी वो एडवांस्ड कोर्सेस कर सकते हैं। एक्चुअली वो ये भी पूछ रही हैं कि जो इनकी इनकम है, जैसे इनके पेरेंट्स कह रहे हैं कि इंजीनियरिंग से ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा मॉनेटरी बेसिस पे, फैशन डिज़ाइनिंग इतना ज़्यादा आपके यहाँ पे वो नहीं है। लेकिन मेरा कहना यही है कि भी पेरेंट्स को आज नॉलेज नहीं है। हाँ। एक जनरेशन बदल गया अभी। अब तक मिडिल क्लास का व्यक्ति भी फैशन डिजाइनर के पास जाता है अपने सूट सिलाने के लिए, है ना, वो टेलर नहीं है अब। तो उसका बहुत बड़ा स्कोप है, पेरेंट्स को यह समझने की आवश्यकता है। और रेखा जी को एप्टीट्यूड जरूर, ये नहीं कि भी फैशन डिजाइनिंग में ग्लैमर है ऐसा है, परंतु क्या सचमुच उसकी एप्टीट्यूड है उस एरिया में? अगर एप्टीट्यूड है तो जरूर करे, वहां पर भी स्कोप है और आने वाले सालों में तो और स्कोप बढ़ जाएगा। मेरे ख्याल से हर व्यक्ति जाएगा। हाँ। कि डिजाइनर से वो कपड़े सिलाएगा, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि इवन और नहीं, इसके और भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। नहीं, अपॉर्चुनिटीज तो है, बट मेरे ख्याल से ना, जैसे अगर आप 10th में होते हो, कहीं इंस्टीट्यूट इंटर्नशिप कराती हैं, तो अगर ये 10th में है और अगर 11th में जाने से पहले ये कर सकते हैं कि किसी फैशन डिजाइनर के साथ इंटर्नशिप एक बार इंटर्नशिप कर लें, चाहे 10 दिन 15 दिन, देख लें कि एक्चुअली में हैंड्स ऑन काम होता कैसे है। क्योंकि कई बार ना कुछ चीजें हमें बड़ी अच्छी लगती हैं दूर से, लेकिन जब हम उसके अंदर जाते हैं तो हमें होता है कि
कहीं ना कहीं हमें लूप होल्स मिलते हैं, नहीं जरूर देखिए। हाँ, हाँ, हाँ। और प्लस इंजीनियरिंग जो है, अगर आपको लगता है कि आपकी साइंस अच्छी है, क्योंकि इंजीनियरिंग में साइंस बहुत इम्पोर्टेंट रहती है, तो आई थिंक अगर आपको लगता है कि साइंस अच्छी है तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन क्रिएटिविटी अगर है उनकी, है ना, ड्राइंग में क्रिएटिविटी, नए नए डिजाइन बना सकते हैं, स्किल्स हैं आपकी अच्छी, अगर उसमें उनकी स्किल्स है डिजाइनिंग में, तो फैशन डिजाइनिंग वो कोई ऐसा मतलब इनफीरियर प्रोफेशन नहीं है। आजकल तो लोगों ने अपने बहुत ज्यादा अच्छा प्रोफेशन वो बन जाएगा, इनफैक्ट इंजीनियर से वो कहीं गुना ज्यादा कमा सकते हैं। इनफैक्ट लोगों ने अपनी बुटीक्स खोली हुई हैं, बस यही सब, जो कि आप आगे काफी कमा सकते हैं, खुद का बिजनेस कर सकते हैं और कम कम इन्वेस्टमेंट में। आज इंजीनियर एक तो जॉब करेगा, हाँ जी, या अगर सपोज उसको खुद का करना है तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, ताकि यहाँ पर है, अगर अपनी खुद की ब्यूटीक खोले तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है। हाँ जी। और वो कितनी उनकी मास्टरी है, वो कितने अच्छे बनते, इसमें कम्युनिकेशन भी अच्छा होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि उनको अच्छे अच्छे लोगों के पास जाना होगा, उनको कन्विंस करना होगा, वह स्किल्स है तो ये जरूर करे। कहते हैं कि आपके दिल में क्या है उसको फॉलो करो, फॉलो योर पैशन। मैं तो डेफिनेटली बोलता कि यू कैन डू इट, सिर्फ अच्छे इंस्टीट्यूट से करना है, ताकि क्योंकि अच्छे इंस्टीट्यूट से मेरे ख्याल से जॉब भी अच्छी मिलेगी। मिलेंगे, हाँ। इंजीनियरिंग में भी तो ये है ना, आप ऑर्डिनरी करो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, आप IIT से करो, ऐसे कोई अच्छी इंस्टीट्यूट से करो, तब इंजीनियरिंग प्लेसमेंट अच्छी मिल जाएगी कॉलेज में। तो ये मेरे ख्याल से रेखा जी, हमने आई होप वी हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन, एंड कहीं ना कहीं अगर आपको फिर भी लगता है कि हमने अच्छा आंसर नहीं दिया या आप संतुष्ट नहीं हैं, अब हमें दोबारा लिख सकते हैं, हम पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वी कैन डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन अगेन। सर ये दूसरे हैं राहुल जी, ये बॉम्बे से लिखते हैं कि इनके फादर डॉक्टर हैं और उनकी वजह से ये खुद भी डॉक्टर बन चुके हैं, अब ही हैज डन हिज MBBS एंड ये कहते हैं लेकिन मुझे इस प्रोफेशन में अच्छा नहीं लग रहा। He says that I am not enjoying this profession. I wanted to become a writer. तो अगर मैं आगे राइटर बनना चाहता हूँ तो मैं कैसे आगे अप्रोच करूँ, बिकॉज मेरे पेरेंट्स बिल्कुल ही इस चीज़ के अगेंस्ट हैं कि आपने इतना टाइम इन्वेस्ट किया है टू बिकम अ डॉक्टर, लेकिन आप अब एकदम ही अलग फील्ड के लिए बोल रहे हैं दैट यू वॉन्ट टू बिकम अ राइटर, सो हाउ शुड आई गो अबाउट इट। एक्चुअली तो क्या करना चाहिए, मैं समझता हूँ कि शुरू में तो जब उन्होंने MBBS कर लिया है तो उसी के जो एडवांटेजेस है उस पर थोड़ा सा चिंतन करें और फिर वहाँ भी एक बार प्रैक्टिस शुरू करें, क्योंकि राइटर के रूप में भी हो सकता है। मेरे एक फ्रेंड है वो गायनेकोलॉजिस्ट एक्चुअली, लेकिन इतनी अच्छी स्टोरीज लिखते बात मत पूछो, अभी भी वो प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उनकी स्टोरीज रेगुलरली आती है न्यूज़पेपर्स में, है ना, और मेरा कांटेक्ट भी उनका, वो इतनी अच्छी स्टोरीज थी उससे ही मैंने उनका कांटेक्ट किया, फिर वो फ्रेंड्स बन गए ऑलमोस्ट। ओके, तो स्कोप तो जरूर है, इवन मेडिकल राइटिंग हो सकता है। वो राइटर बनना चाहते हैं तभी उनको MBBS का फाउंडेशन है, तो मेडिकल आर्टिकल्स लिख सकते अच्छे अच्छे टू हेल्प पीपल, हाँ, न्यूज़पेपर में मेडिकल आर्टिकल्स लिख सकते, जर्नल्स में लिख सकते हैं, है ना, उसके अंदर वो थोड़ा अपना टाइम दे तो सचमुच बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। तो जैसे ये बोल रहे हैं कि अब मुझे फील्ड चेंज करनी है, मैं अपने पेरेंट्स को, लेकिन फील्ड चेंज करना मैं एडवाइस नहीं करूंगा, वो आगे चल के मेडिकल प्रैक्टिस बंद कर सकते हैं, ऐसे कई लोग हैं। दूसरे मेरे एक फ्रेंड है कि जिन्होंने भी MBBS किया, लेकिन उनके फादर का फार्मेसी का बिजनेस था, तो ऑटोमेटिक उनको वो संभालना था, हाँ जी। तो फार्मेसी थोड़ा सा उन्होंने प्रैक्टिस की, फिर फार्मेसी का बिजनेस संभालने लगे, उसमें ही इतना टाइम चला गया, तभी उन्होंने MBBS की प्रैक्टिस बंद कर दी। तो आगे चल के ये संभव है कि वो MBBS की प्रैक्टिस बंद भी कर दे, और मैं ये कहूंगा कि भी वहां पर भी सोचिए अभी भी कि उनको क्यों उसमें पैशन नहीं है। इसके ना डिफरेंट रीजंस होते हैं, कई बार ये है कि भी मैकेनिकल है,
ना, हमको बस फैमिली फिजिशियन के रूप में पेशेंट को देखना है, दवा देनी है, कई बार बहुत हेक्टिक भी हो जाता है। लेकिन वो तो आप कम कर सकते हैं, वो आप अपना कम कर सकते हैं, हेक्टिक तो आपके ऊपर है। जैसे MBBS के बाद मैंने यूजली देखा है लोगों की जो ड्यूटीज लगती हैं डॉक्टर्स की वो 24 आवर ड्यूटीज, और इंटर्नशिप में तो बहुत ही हेक्टिक रहता है। प्राइवेट प्रैक्टिस करे और वहाँ भी ये पॉसिबल है कि उनको सिर्फ वहाँ इंटरेस्ट नहीं है, कुछ और क्रिएटिव करने में इंटरेस्ट है, तो सोशल वर्क भी कर सकते हैं एज एन MBBS डॉक्टर। सप्ताह में 1-2 दिन कहीं ऐसे कोई एरिया में जा करके फ्री सर्विस करे, है ना, कुछ और क्रिएटिव कर सकते हैं, तो नहीं बहुत कुछ संभव है। परंतु फिर भी साथ साथ में राइटिंग शुरू कर ही दे अगर उनको इंटरेस्ट है तो, और राइटिंग में अगर वो इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, तो फिर मेडिकल प्रैक्टिस कम कम करते जाए, थोड़ा सा ही देखे या अल्टीमेटली बंद भी कर दे। तो आई थिंक मेरे को लगता है कि एक डॉक्टर के टैग तो है ना, exactly, तो उसकी वैल्यू है, एक रिस्पेक्ट है, आपने एक रिस्पेक्ट अपने लिए अर्न करी, जो कि एज अ डॉक्टर इट इज नॉट इजी एक MBBS के लिए, मतलब MBBS करना पहली बात है, एक प्री मेडिकल टेस्ट मेडिकल के साथ साथ अगर आप आगे एक्सप्लोर करें कि पब्लिशिंग हाउस कौन से हैं, कुछ ना कुछ छोटा छोटा आर्टिकल में भी मैगजीन में आप देना शुरू करें, समझो 3 घंटा ही प्रैक्टिस शुरू करें एक टाइम सिर्फ इवनिंग में, और फिर सारा दिन उनके पास है तब राइटिंग में वो एफर्ट क्योंकि करना ना मेरे को लगता है कि फिर फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। जैसे अगर मैं भी आज बोलूं कि मुझे ये काम करना है और सिर्फ मैं वही कर रही हूँ और मेरा इंटरेस्ट नहीं है उसमें, जैसे कि मैं आई एम अ क्वालिफाइड, लेट्स से आई एम अ क्वालिफाइड सर्जन एंड आई एम डूइंग सर्जरीज, लेकिन मेरा इंटरेस्ट है म्यूजिक में, सो आई थिंक सर्जरीज कर करके आई विल बी वेरी फ्रस्ट्रेटेड, सो आई शुड रादर ऑल्सो परस्यू माय हॉबी कि हाँ मेरा ये मन है करने का, तो मैं साथ साथ म्यूजिक में भी कुछ करूं ताकि मेरा बैलेंस हो जाए। ऐसे तो ना शिवानी भाई, मैं तो समझता हूँ हर डॉक्टर को कोई ना कोई हॉबी तो परस्यू करनी चाहिए। उसमें उसको पैसा नहीं मिलेगा, हो सकता है म्यूजिक है, उसको योगा सिखाना है, काउंसलिंग करना है, राइटिंग का ये बोल रहे हैं, ऐसे बहुत कुछ संभव है। हाँ जी। वो 1-2 घंटा तो करना ही चाहिए। अभी इनका जो प्रश्न है वो ये है कि ये तो पूरा चेंज ओवर करना, वो भी संभव है। मैं तो ये एडवाइस दूंगा कि शुरू में रात को 2 घंटा ही प्रैक्टिस शुरू करें, फिर सारा दिन उनके पास है तो क्या होगा, कई बार फॉर एग्जाम्पल उन्होंने प्रैक्टिस शुरू ही नहीं की और किसी की एडवाइस पे सिर्फ वो राइटिंग में लग गए, लेकिन फिर शायद तो डे टू डे एक्सपेंस का भी पैसा राइटिंग से ना मिले, तब तो है ना अर्निंग मनी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तब तो फैमिली मेंबर्स भी तो कहेंगे कि जो घर चलाने के लिए, नहीं घर इन्वेस्ट किए वो अलग बात है, लेकिन घर चलाने के लिए आपको चाहिए समझो कम से कम 30-40 हजार रुपया चाहिए, एकदम मिडिल लेवल में भी आपको जीना है तो वो भी अगर आप नहीं कमा रहे तो फिर परिवार वाले भी तो डिस्टर्ब होंगे, exactly. तो दोनों चीजें करनी चाहिए। एंड इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, ये है ऋतु, ये कहते हैं कि इन्होंने ये चाहते हैं अपने लिए गोल्स डिसाइड करना, ये कहते हैं कि एक मुझे पर्सनालिटी भी अपनी डेवलप करनी है उसको अचीव करने के लिए, बट इन्होंने ये नहीं लिखा है कि कौन सा गोल ये अपना बनाना चाहते हैं, बस ये कह रहे हैं कि एज क्या है ऐसा कुछ, इन्होंने एज भी नहीं लिखी है, ये कह रहे हैं कि मैंने अभी अपना करियर शुरू किया है लेकिन मेरे पास कोई गोल नहीं है, आई डोंट फील होपफुल अबाउट टुमारो एंड आई वॉन्ट टू हैव सम गोल सो दैट मैं आगे उसको अचीव कर सकूँ, एंड मैं ऐसी क्या पर्सनैलिटी डेवलप करूँ ताकि मैं गोल ओरिएंटेड बनूं। अच्छा, वेरी गुड। सो आई थिंक इसमें कुछ चीजें हमारे पास नई भी है, कुछ इंफॉर्मेशन जो होनी चाहिए, इनकम्प्लीट सी इंफॉर्मेशन। अगर उनकी एज हमको पता होती, वो कौन से फील्ड में उन्होंने करियर किया है वो होता, नहीं तो भी उत्तर दे सकते हैं कि अभी वो जहाँ पर भी है, एक्चुअली बेस्ट ये है कि जल्दबाजी में अभी डिसाइड नहीं करो गोल्स, गोल कब डिसाइड करना चाहिए, है ना, वह भी एक $1 million क्वेश्चन है कि गोल जो है वो कंपैरिजन से डिसाइड नहीं करो कि भी वो मेरा फ्रेंड ये कर रहा है मैं भी ये करूं, या तो इसमें ज्यादा पैसा है तो मैं ये करूं,
एक्चुअली गोल कब डिसाइड करो, व्हेन यू आर पीसफुल. एक वीक का भी टाइम लो आप, है ना, चाहे तो कुछ मेडिटेशन सीख लो. समझो मेडिटेशन नहीं सीखना है या तो आपको दिक्कत लग रही है तो थोड़ा लॉन्ग वॉक पे जाओ, थोड़ी एक्सरसाइज अच्छे से हाफ एन आवर 45 मिनट्स, और फिर रिलैक्स करो. तब है ना एक रिलैक्स स्टेज बनती है. एक्सरसाइज के बाद अगर आप थोड़ा लेट भी जाएंगे ना तो भी व्यक्ति रिलैक्स फील करता है. तो तब है ना अच्छे से रिलैक्स्ड फील करो, और जब रिलैक्स्ड हो ना तब सोचो कि अब मुझे क्या गोल्स को डिसाइड करना है. दूसरा, जब आप सवेरे स्नान करते हैं उसके बाद भी थोड़ा रिलैक्स हो करके सोचो और एक डायरी में लिखते जाओ कि भी ये मेरे पास ये 6 ऑप्शंस है. ऐसा थोड़े दिन फिर पीसफुली सोचो कि इसमें भी मैं किसको बेस्ट करना चाहता हूँ, उसमें कहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ, कौन से लेवल तक मुझे पहुँचना है, फिर उस अनुसार उस गोल को सेट करो. और ये अच्छा तो है कि उनकी जो भी फील्ड हो, है ना, समझो कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट तो उस एरिया में, वो अगर साइंस ग्रेजुएट है तो उस एरिया में, ऐसे उस एरिया से थोड़ा मिलता जुलता हो तो बहुत अच्छा है, न भी हो कोई बात नहीं है. But something which, so basically वो ये कह रहे हैं कि मेरा होप नहीं रहा, इतना होपफुल नहीं हूँ मैं आगे के लिए, so I want to develop a goal. तो मुझे ऐसा लगता है कि हर छोटी चीज में गोल है, टू बी ऑनेस्ट. आपकी हेल्थ भी एक गोल है, आप टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ इज अनदर गोल, देन करियर इज अनदर गोल, स्पिरिचुअल अचीवमेंट इज अनदर गोल. तो इट डिपेंड्स कि आपको कौन सा अभी जरूरत है, किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है. जैसे अभी आपने बताया कि एक तो ये करियर, आप जो भी आपने लाइन चुनी है उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी डेवलपमेंट देख सकते हो. मे बी यू कैन चूज अ कोर्स, फर्दर कोर्स कर लीजिए, मे बी लैंग्वेज सीख लीजिए. आजकल तो लोग काफी लैंग्वेज भी सीख रहे हैं, बट आई थिंक इट इज अ गुड ऑप्शन कि आप कुछ कोर्सेज देख लीजिए अपने लिए नए, ताकि यू बिकम अ लिटिल मोटिवेटेड. मुझे ऐसा लग रहा है इनकी बात से, शी इज अ लिटिल डीमोटिवेटेड इन लाइफ. नहीं, और जैसे वो डॉक्टर का भी हमने कहा ना कि चाहे तो वो फील्ड से कुछ डिफरेंट भी कर सकते हैं, परंतु फील्ड से रिलेटेड हो तो अच्छा है। और मैं तो एक सिंपल तो एडवाइस यही देना चाहता हूँ कि जल्दबाजी में नहीं करो. मैंने मेडिटेशन एक्सरसाइज की क्यों बात कही, क्योंकि तब आप ना रिलैक्स होंगे और फिर तब आपको ये पता चलेगा कि भी सचमुच मैं क्या चीज को मैं एंजॉय करता हूँ. और हमेशा वह करना चाहिए, चाहे उसमें पैसे कम हो कोई बात नहीं है, लेकिन क्या कार्य करने से मेरे को सचमुच आनंद मिलेगा. बट इवेंचुअली यू बिकम द बेस्ट इन इट, क्योंकि आप उसमें आपको मजा आ रहा है. बिल्कुल. सो एंड मैंने एक ये चीज पढ़ी थी कि यू नो व्हेन यू स्टार्ट एंजॉयिंग योर वर्क यू डोंट हैव टू वर्क अ सिंगल डे. जी हां, बस क्योंकि तो एंजॉयमेंट ही है. काम क्या कर रहा है, खेल है आपका, काम ही आपका खेल है, तो फिर आप उसमें अच्छा लगेगा, आप उसमें एक्सेल ही करेंगे. और भी ये जो स्टेट भी उनकी है ना, थोड़ा जैसे डीमोटिवेटेड हो गए हैं तो डीमोटिवेशन भी समाप्त हो जाएगा. तो आई थिंक एक ये भी प्लस मैं सोचती हूँ कि आपने जैसे अभी बताया कि अगर हम एक ऐसी स्टेट में होते हैं जहाँ पे हम थोड़े क्रोध में हों, या हम थोड़े फ्रस्ट्रेटेड हों, या हम अनस्टेबल हों, तो डिसीजन हमेशा गलत ही होता है, तब भी नहीं करना. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टेबल माइंड के साथ जब आप स्थिर हों तब आप एक डिसीजन लें, ताकि वो आपको इफेक्ट भी उसका अच्छा है. और थोड़ा भी फ्रस्ट्रेट फील नहीं करना चाहिए. फ्रस्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए. जैसे अभी हमारे पास एक इट्स अ रियल केस है. हाँ जी. कि वो बहन ने फॉरेन में भी कुछ कोर्स किया है, लेकिन फिर यहाँ पर आई और अभी उसको उसके अनुरूप अभी जॉब नहीं मिल रहा है. अच्छा, ओके. तो फिर उसको कोई ट्यूशन क्लास में सिखाने गई, और वो क्लास का भी एनवायरनमेंट इतना अच्छा नहीं था, ना एसी नहीं था सपोज, ठीक से ऑफिस नहीं थी, तो भी बीच में तो बेंच पे बैठना पड़ता. इतना इवन अच्छा. हमारे पास आके भी हमको भी चिल्लाती थी, समझ लो. अच्छा. है ना, इतना गुस्सा करेगी. पर तू जब उसको सब समझाया, है ना, प्रॉपरली रिलैक्सेशन सीख, अभी इस केस में तो मेडिसिन की भी जरूरत पड़ी, थोड़ी सी मेडिसिन भी दी, तो एकदम ठीक हो गई. आप सच नहीं मानेंगे, एक बार तो है ना मेरे थेरेपिस्ट ने कहा कि ये पेशेंट को मैं नहीं ले सकती हूँ, ये इतना गुस्सा करती है, ये बोलती है अपनी बात को नहीं, मतलब फ्रस्ट्रेशन निकल रहा था उसका, परंतु मैंने बोला देखो तुम पेशेंस रखो,
उसको भी ये कहा कि तुम 2 वीक रुको, जरा प्रॉपर मेडिसिन ले लो, फिर आप आना, तो अभी बहुत अच्छा है। इवन उसकी जो फील्ड है उसके अनुरूप भी उसको अभी जॉब मिलने लगे। मेरे ख्याल से ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि हम अंदर ही अंदर ना चीज़ों को दबाए रखें, क्योंकि अगर हम अंदर ही अंदर उनको दबाए रखेंगे एक दिन हम बहुत ही गंदा ब्लास्ट होंगे। सो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कम्युनिकेट। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं भी लग रही है आप अपने घर वालों से डिस्कस कर सकते हैं, कम्युनिकेट विद देम। वो नहीं है तो कोई फ्रेंड, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके आसपास है, क्लोज है, पीसफुली। जब ये पेशेंट का मैंने बोला ना कि वो तो मम्मी पे भी गुस्सा करेगी, मैंने बोला हमारे पास भी आकर के जैसे वो ऐसा बोलेगी कि वो गुस्से में ही है कि मेरा कुछ भी नहीं, सब बेकार है, मैं क्या करूं, मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है, एक ही अवसर फालतू हो गया मेरा, वैसा नहीं कर रहा है। बी पीसफुल, जैसे अभी दिक्कत है वो ठीक है ना, और मैं पीसफुली रहूंगी, एफर्ट करूंगी, तो एक बार जरूर मुझे एक अच्छी सी फील्ड मिल जाएगी और डिस्टर्ब होके मैं डिप्रेस ना बनूं, या तो मेरी जो पोटेंशियल से उसको डाउन ना करूं, डाउन ना हो, नहीं तो ना अपने पोटेंशियल्स को भी डाउन कर रहे हैं। ये जो 3 क्वेश्चंस थे ये अभी हमने लिए, लेकिन और भी बहुत क्वेश्चंस हैं मेरे पास, तो आई थिंक आने वाले एपिसोड्स में हम उन्हें कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच गिरीश भाई, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा हमारे दर्शकों को, क्योंकि उन्होंने बहुत ही मन से और होप के साथ हमें ये क्वेश्चन देखे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। तो दर्शकों, ऐसे ही हमें क्वेश्चंस लिखते रहिए, हम अपने आने वाले एपिसोड्स में आपके सारे प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी जितनी भी जिंदगी की समस्याएँ हैं हम उनका सोल्यूशन आपको दे सकें। ओम शांति। की राहों में कहीं खो गया इंसान, मंजिले मिल जाएंगी, जरा खुद को ले तो जा। हौसलों को कर बुलंद, होंगे पूरे अरमान, मुश्किलें मिट जाएंगी, ओ चेहरों पर मुस्कान, ओ चेहरों पर मुस्कान। राजयोग के तू राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज, गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 8094913487।
गोदी में बैठाए, सूक्ष्म बतन में बाबा जो बुलाए, झूला झूलाए गोदी में बैठाए, सब कुछ मिल गया। तेरा शुक्रिया।